हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम एक कप दूध डाल देंगे। दूध में हम उबाल आने देंगे। तो अब दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस को मीडियम कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी पानी और इसे हम घोल लेंगे। अब हम इस दूध में कॉर्नफ्लोर का घोल धीरे धीरे डालते हुए चलाते रहेंगे। और इसे चलाते हुए हम गाढ़ा कर लेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। तो अब ये गाढ़ा हो चुका है, ये ठंडा होने पर और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमने यहाँ पे दो आम लिए हैं, ये छोटे साइज का आम है। अगर आप बड़े साइज का आम ले रहे हैं तो एक आम ले। अब हम इसे काट लेंगे और काट कर इसका पल्प निकाल लेंगे। तो हमने आमों के पल्प निकाल लिए हैं। अब हम एक मिक्सिंग का जार लेंगे और इसमें हम सभी पल्प ऐसे डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी। आप मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें ये गाढ़ा दूध डाल देंगे। तो हमने इसमें दूध डाल दिया है, अगर आपके पास ताज़ा मलाई हो तो आप ये भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे अच्छे से। तो हमने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं ये अभी से ही कितना ज़्यादा क्रीमी है। अब हम इसे एक कंटेनर में डाल लेंगे और जो बचा हुआ है उसे हम दूसरा कंटेनर में डाल लेंगे। तो हमने इसे दो कंटेनर में भर के रख लिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के फिर से एक मिक्सिंग के जार में डाल देंगे। और इसे हम फिर से पीसेंगे। तो हमने इसे थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके इस तरीके से चलाते हुए हमने इसे पीस लिया है। ऐसे करने से आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनता है। अब हम इसे फिर से कंटेनर में डाल देंगे। तो हमने इसे कंटेनर में डाल लिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद करके 8 से 9 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब 9 घंटे पूरे हो चुके हैं और हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। अब ये आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। तो हमने इसे एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर काजू और आलमंड डालकर गार्निश कर लेंगे। तो अब ये हमारा मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप भी इस तरह मैंगो आइसक्रीम बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।